हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारा एस के इलेक्ट्रिक वाले यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एलजी के डिजिटल ड्राइव वाशिंग मशीन है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मशीन है। फॉल्ट ये है कि ये जब चल रही है तो ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है और मैं इसे जैसे घुमा रहा हूँ तो आवाज़ सुन सकते हैं आप। मैं अंदर डाल रहा हूँ फ़ोन को और सुनिएगा, तो ये साउंड आ रहा है इसके अंदर से। ये साउंड जो है मेरे हिसाब से स्पाइडर का है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये टब जो है हिल रहा है और इसके अंदर जो है प्ले है, ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा है। या तो नट खुल गए हैं या स्पाइडर टूट गया, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो हम पूरी मशीन को खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ से ये सारे वायर के जो है कनेक्टर हैं हम वो निकाल लेंगे यहाँ से ईजिली। तो दोस्तों कनेक्टर को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये कनेक्टर थोड़े अलग तरीके के हैं। इन कनेक्टर के अंदर ये लॉक रहता है, इसे ऐसे पंच करके हमें तब खींचना होता है, अदरवाइज आप कहीं से भी दबा के निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम सारे कनेक्टर्स जो है इसके निकाल लेते हैं। तो ये एक हाथ से रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि साथ में वीडियो बनाना और साथ में ये करना। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कनेक्टर हमारे सारे रिमूव हो चुके हैं, नीचे वाले, ऊपर वाले, ये मेन के हैं हमारे और ये मोटर का कनेक्टर है मेन, ये नहीं निकल रहा। तो ये हम इस पीसीबी को खोलेंगे फिर निकालेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट बॉक्स को निकालेंगे। इसे पकड़िए ज़रा, इसको पकड़ के रखें, थोड़ा खींचो, ऐसे ही हमारा डिटर्जेंट बॉक्स बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम ये दोनों नट खोलेंगे। तो नट खोलिए, मशीन से खोल लीजिए। तो ये हम दोनों नट खोलेंगे, इधर वाले, एक ये वाला और ये वाला। ये स्क्रू हमारे रिमूव हो चुके हैं और अभी हम जो है इस पैनल को अलग करेंगे। ये इसके अंदर डिटर्जेंट बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक है इसके अंदर, तो हम लॉक खोलेंगे पहले। या दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो है लॉक होते हैं, तो इन लॉक को हम जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे फ्रंट पैनल जो है बाहर आ जाएगा। तो गाइस इसका फ्रंट पैनल हमने खोल लिए हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसकी डोर का जो है हमारी जो रबड़ है इसका हम स्प्रिंग निकालेंगे। और स्प्रिंग निकाल के ये हम स्प्रिंग निकालेंगे इसका, यहाँ से हम स्प्रिंग को बाहर करेंगे। और स्प्रिंग बाहर करने के बाद फिर हम जो है इसका जो है फ्रंट का जो है पैनल ओपन करेंगे। ये हमारा स्प्रिंग बाहर आ गया और इस रबड़ को हम अंदर करेंगे ऐसे की तरह, ठीक है। तो ये अंदर हो जाएगी। अभी इसके बाद हमें डोर स्विच खोलना है, नहीं तो आप अंदर से सीधी वायर हटा सकते हैं अगर आपका हाथ जाता है, नहीं जाता तो आप यहाँ से स्क्रू खोल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हमें फ्रंट पैनल खोलने के लिए ये वाला और ये वाला स्क्रू खोलना होगा और साथ में यहाँ पर जो ड्रेन पंप के पास दो स्क्रू रहते हैं वो खोलेंगे और इसे ऐसा सीधा करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रू खोल लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों हमारे नट जो हैं सब खुल गए, ये वाले और दोनों नीचे वाले। अभी हम इसे उठाएंगे और इसे ऐसे क्लोज करेंगे और इसे ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि नीचे लॉक रहते हैं तो थोड़ा लॉक ऐसे प्रेस करके खोलने पड़ेंगे, नहीं तो ये पैनल रिमूव करेंगे। इस पैनल के नीचे अगर नट हुए तो ये अलग से खुलेगा, ये अलग से खुलेगा, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉक थे तो हम लॉक खोलेंगे यहाँ से। लॉक खोलने के बाद तभी ये हमारा पैनल रिमूव होगा। ये प्लास्टिक का पैनल है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉक लगे हुए थे इस तरीके से, ये हमने रिमूव किए। रिमूव करने के बाद देखेंगे नीचे की तरफ दो फ्रंट के और नट हैं, उसे हम खोलेंगे। ये खोलने के बाद इजीली हमारा पैनल बाहर आ जाएगा। मशीन को खड़ा करिए, खड़ा करो। अभी हम पैनल को उठा सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वेट बैलेंसिंग जो लगा रहता है हमारा, इसे हम खोल के रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर वहाँ से स्क्रू खोलेंगे
और फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा हमारा। फिर हम मोटर के पीछे से नट खोलेंगे, स्पाइडर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट खोल दीजिए इसको। ये हम स्क्रू खोल के फिर आपको दिखाते हैं। तब तक दोस्तों ये फ्रंट के वेट बैलेंसिंग को जो है नट खोलेंगे, ये जैसे हम पत्थर बोल सकते हैं इनको। और उससे के बाद पहले हम जो है ये खोल लेते हैं इधर से। ठीक है, ये स्क्रू खोलेंगे और इसकी मोटर को बाहर निकालेंगे, तभी जो हमारा ड्रम बाहर आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ये स्क्रू खोल लेते हैं। इसके लिए हम सिलाई रिंच का यूज करेंगे, इतनी बड़ी चाबी हमारे पास नहीं है अभी तो, अगर होगी भी तो देख लेंगे। इतनी बड़ी चाबी लगभग ये 17 नंबर के करीब की है, और ये 16-17 की हैं चाबी। तो देखते हैं, तो देखिए एक्यूरेट लगी है बिल्कुल। तो इसे हम खोल लेंगे एक बार। स्क्रू खोल लिया इसका, अब ये मोटर को बाहर निकालेंगे। इसमें थोड़ा मैग्नेट रहता है, इसलिए थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा इसको। तो ये मोटर हमारी बाहर आ चुकी है। ठीक है, ये मैग्नेट रहते हैं, यहाँ पर देख लें कि कोई मैग्नेट छूटा ना होना, टूटा होना चाहिए। ठीक है, ये ओके हो गए, इसे साइड करेंगे। और दोस्तों देखिए इसकी जो है सील भी ख़राब हो चुकी है, जिससे ये सारा पानी यहाँ पे आ गया है। ओके, तो हम सील को भी रिप्लेस करेंगे और बैरिंग भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। तो वैसे हम ये वापसी लगा देते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा से हमें फोर्स करना पड़ेगा, तब बाहर आएगा ड्रम हमारा। तो दोस्तों अभी हम जो है ड्रम को सेपरेट करने के लिए हम ये स्क्रू खोलेंगे, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे लगे हुए हम स्क्रू खोलेंगे, ये वाले और ये वाले, तो ये हमारा ड्रम सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम खोल लेते हैं एक बार। और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आपको मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए इधर हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो दो शॉकर हैं, एक यहाँ पे, एक पीछे की साइड है, और इधर की साइड एक सेंटर में एक ही दे रखा है। जो ओल्ड मॉडल थे उनके अंदर क्या था, सिर्फ ओनली नीचे जो है दो शॉकर आते थे और ऊपर की तरफ जो है स्प्रिंग लगे रहते थे। आपकी जब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो कुछ नहीं कह सकते, ये आपको दिखाना था, हमें बताइए कैसा लगा आपको। तो दोस्तों ये फ्रंट के लिए हम जो ड्रेन पंप है, इसके साथ जो ड्रम का ड्रेन कनेक्ट रहता है, हम उसे खोलेंगे। दिखाइए, दिखा देते हैं। यहाँ पे लॉक रहते हैं, इस लॉक को हम क्लास की मदद से पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे पंच करेंगे और पीछे की तरफ करेंगे, और इस होजिंग को हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्या क्या फंसा हुआ है इसके अंदर, ये इसी वजह से जो है चीज़ें ख़राब होती हैं, तो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। हेलो, हाँ, ओके, ओ, कुछ इतना, कुछ इतना, ओके, वाइल्ड, मज़े,
बोलो तो दोस्तों अभी हम जो है इसको कोशिश करने बाहर निकाल रहे कि क्योंकि ये जो है साफ्ट यहाँ से सारा पानी निकला हुआ है, शायद इसकी सील ख़राब है इसीलिए, और सारा जंग लगा हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने की, थोड़ा चोट वोट मारेंगे तो खुलेगा, तब जाके इसको बाहर निकालेंगे। तो ये इसकी सील है दोस्तों, ये ख़राब है, देख सकते हैं बिल्कुल अंदर सारा मिट्टी भरी हुई है। और देखिएगा ये देखिए बैरिंग के अंदर कितना बुरा हाल है। तो ये जो है बैरिंग इसका ख़त्म है, ये बैरिंग एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए, ये बैरिंग देखिए इसका प्ले है इसके अंदर, थोड़ा और नज़दीक करिए और फोकस करके दिखाइए एक बार। ये देखिए बैरिंग के अंदर प्ले है, ये बैरिंग ख़त्म था इसलिए आवाज़ कर रहे थे। तो अभी इसके हम बैरिंग और सीले चेंज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और बैरिंग को हम निकाल लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।